साहिबगंज जिले में बुधवार को झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा फीता काटकर जिला सदर अस्पताल में नए 500 एलपीएम क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। इससे पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उपायुक्त रामनिवास यादव एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं ऑनलाइन के माध्यम से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बंदना गुप्ता के द्वारा विभिन्न जिलों के अंतर्गत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के सहयोग से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट तथा अन्य उपकरणों का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बंदना गुप्ता ने ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में स्वास्थ्य की तरफ से झारखंड सरकार द्वारा किए गए प्रयास अतुलनीय है। कोरोना काल से सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर बनाने में लगी हुई है। ज्ञात हो कि पूर्व में 200 एलपीएम क्षमता वाला ऑक्सीजन मैनिफोल्ड प्लांट बनाया गया था, जिसके माध्यम से सीधे बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराई जा रही थी। अब ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता बढ़ा दी गई है। 500 एलपीएम क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट से 200 बेड पर पाइपलाइन के जरिए सीधे मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है। ऑक्सीजन प्लांट के उड़ाने से अब जिले में आपातकालीन स्थिति आने पर ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन को भी हमको याद आ रहा है जब पहली बार हमारी सरकार बनने के बाद 2020 में फरवरी मार्च महीना में जब कोविड महामारी का पहला चरण जब आया था, तो सारे झारखंड के लोगों से, डॉक्टर से लेकर आम जनता, बीजेपी प्रशासन के लोग, राजनीतिक लोग सोच रहे थे कि इसका सामना हम कैसे कर पाए। और हमारे माननीय के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने 2 सालों में इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं और अभी हार्ट वेव का आने के संकेत दूसरे जगह से हम लोगों को मिलता है, तो पूरा तैयारी के साथ हमारी सरकार खड़ी है। इसके साथ साथ सदर अस्पताल प्रांगण में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उपायुक्त रामनिवास यादव, सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से के इंडिया के द्वारा उपलब्ध कराए गए टीका एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किए, जो कि क्षेत्र में लोगों को कोविड का टीका लेने के लिए जागरूक करेंगी।